60 के दशक में पालमपुर में स्थित किया गया खिलौना केंद्र सरकार की नजरें इनायत को तरस रहा है। अनुभवी कारीगरों की नियुक्ति न होने से यहां पर उत्पादन लगभग न के बराबर है। वर्ष 1974 से यह केंद्र हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन के तहत काम कर रहा है। यहां पर मशीनरी तो है लेकिन काम करने को पर्याप्त कारीगर नहीं है। करीब एक दशक पूर्व रिटायर हो चुके कारीगर को ही समय समय पर बुलाया जाता है, जबकि यहाँ पर बनाए जाने वाले खिलौनों को रंग कर नया रूप देने का काम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हवाले है। वह भी इसी साल रिटायर होने वाला है। एक समय था जब यहाँ पर अनेक किस्म के खिलौने तैयार किए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर केवल कुल्लू दंपत्ति पर ही अधिकतर काम किया जा रहा है और जो थोड़े बहुत पेयर तैयार होते हैं उनको आगे विभाग के केंद्रों में भेजा जाता है। इतना जरूर है कि यहाँ पर साल भर के दौरान कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पालमपुर टॉय सेंटर में बनने वाले खिलौनों की काफी डिमांड होती थी, लेकिन अब यह इतिहास की बात बनती जा रही है। अधिकारी भी मानते हैं कि यहाँ पर काम करने वालों को नियुक्त किया जाए तो खिलौना केंद्र अपनी पहचान फिर से बना सकता है। यहाँ पर लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौने का उत्पादन किया जाता है और जो कि अब कम हो गया है। कारीगर जो है कम होने कारीगर न होने की वजह से जो उत्पादन कम हो गया है। यहाँ पर खिलौना बनाने के कार्य के लिए हम समय समय पर एक कारीगर है जो खिलौना बनाने का कार्य काम करता है, उसको पीस रेट आधार पर काम करते हैं। इन खिलौनों को हिमाचल प्रदेश निगम के स्टेट हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के विभिन्न इम्पोरियमों में जैसे कि शिमला, दिल्ली, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी के को बिक्री के लिए भेजते। मैं सन 1972 में यहाँ ट्रेनिंग ली है मैंने, दो साल की, और उसके बाद फिर मैं काम पर यहाँ पे हूँ। तो क्या क्या काम किया जाता है यहाँ पे, क्या क्या? ये लकड़ी का ये है, ये कुल्लू पेर है, ये कुल्लू पेर बनते हैं और हर एक चीज वही बनते हैं यहाँ पर ही, और उसके बाद कलर किया जाता है यहाँ पर, और ये सब मशीनों से बनते हैं। लकड़ी का ये हाथ से बनाए जाते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं ये। इसके बाद इनका क्या किया जाता है? इनके बाद इनको फिर गोरमट्टे जहाँ है उसको फिर ले जाते हैं, प्रोडक्ट इम्पोर में भेज देते हैं इनको, जैसे सिमला चले गए वहाँ हर एक वहाँ पर इनको सप्लाई करते हैं। टॉय सेंटर जो अभी चल रहा है, पहले ये लोग छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, लोग बाहर से आते थे, पर्यटक देखते थे, अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, तो हैंडमेड होते थे ये, तो अच्छा लगता था कि ये लकड़ी के बने हुए टॉयज़ मार्केट में नज़र आते थे, लोग खरीदते थे, बाहर से पर्यटक आते थे, तो पालमपुर में ये चीज़ बनती थी, अच्छा लगता था। यहाँ से लोग जो बाहर जाते थे टूरिस्ट, वो लोग भी अपने घरों में लगाते थे इसको कि कहाँ से लाए हैं, पालमपुर से लाए हैं, अब वो चीज़ मिलती नहीं है। तो हमारा यही अनुरोध है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नई भर्ती होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पालमपुर से जयदीप रिहान की रिपोर्ट।